फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कौन सा थ्रेड यूज करते हो। देखिए, मैं ये वाला थ्रेड यूज करती हूँ, ये इस तरह लच्छे में आता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको दिखाया है और आज मैं फिर आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से मैं इनकी ये बॉल्स बना लेती हूँ, जिस कलर के भी मुझे थ्रेड चाहिए होते हैं। तो ये देखिए, ये कॉटन का थ्रेड है और ये देखिए इस तरह से ये इतना पतला है। अगर आपको ये ज्यादा पतला लगे तो इससे मैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग तो इसे मैं इस तरह से भी डबल भी कर लेती हूँ। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर ले, ये इजिली लोकल मार्केट में अवेलेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें राधा रानी और कृष्णा जी के ड्रेस बनाना सिखाएं युगल सरकार की, और वो भी थ्रेड से। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं अब ये ड्रेस लेके आई हूँ। ये मैंने थ्रेड से बनाई है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज 7 से 8 इंच के राधा रानी जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। लेकिन अगर आप इससे बड़े या छोटे भी बनाना चाहते हैं तो आप इजिली इससे बड़े या छोटे भी कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा मेजरमेंट आपको बताया है, आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम चोली बनाना सीखेंगे। आज आपको मैं इस वीडियो में आपको चोली बनाना सिखाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम घेरा बनाना सीखेंगे। तो मैं इनकी एक एक वीडियो अपलोड करती जाऊंगी ताकि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबी ना हो। इस डिजाइन को आप किसी भी साइज में बना सकते हो इजिली। मेरी ड्रेसेस को देख के अगर ड्रेसेस बनाई हैं तो आप उसे मेरे फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये ड्रेस बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होगी। ये मैंने 3 कलर के थ्रेड्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और ये 5 नंबर का क्रोशिया हुक है जो ड्रेस बनाने में मैं यूज करूंगी, और हमें एक सीजर चाहिएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ग्रीन कलर के नॉट लगा ली है। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैंने 10 चैन बना ली। इस तरह हम अब 21 चैन बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 21 चैन बना ली है। ये आप किसी भी साइज में ये ड्रेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से चैन बना के और अपने राधा जी की नेक का मेजरमेंट ले लें और इस तरह से मेजर करके देख लें। आपके जितने भी साइज की राधा जी हैं, आप उनके नेक का इस तरह से मेजरमेंट ले लें चैन बनाने के बाद। जब आपको लगे कि हाँ ये सही है, तो फिर आगे जिस तरह से मैं प्रोसेस बता रही हूँ सेम इसी तरह से एज इट इज करना है। अब हमने ये 21 चैन ले ली है। अब मैं 2 चैन और बनाऊंगी, 1, 2। अब 2 चैन बनाने के बाद 1, 2 स्किप करके 3rd चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट चैन में भी 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी चैन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से हमने एवरी चैन स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं एवरी चैन स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने वर्क के एंड तक इसी तरह से वर्क करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। और ये हमारी जो लास्ट चैन है, यहाँ पे भी हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले मैंने 21 चैन ली थी और 2 चैन एक्स्ट्रा ली थी, तो इस तरह से हमारी ये 22 हो गए। जो हमने 2 चैन ली थी एज हमारा वो सिंगल क्रोशिया है। अब हमने हर चैन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया किया है, तो अब हमारे पास ये 44 हो गए। तो ये हमारा ग्रीन कलर का वर्क यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो मैं इस थ्रेड को यहाँ से कट कर दूंगी, नॉट लगा के मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगी। अब हम यहाँ पे व्हाइट कलर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट कलर की नॉट लगा ली है। अब हमने ये देखिए, हम पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी हमारी राइट साइड है और कौन सी रॉन्ग साइड है। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी ये राइट साइड है। ये देखिए, पहले हमने चैन बनाई थी और जहां से हमने सिंगल क्रोशिया स्टार्ट किए थे, यहाँ से हम इसे राइट साइड करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, जस्ट इसके ऊपर हम अपने थ्रेड को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में, फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से। ये देखिए, 1-1 टाइम हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब एवरी चैन स्टिच में मैं वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने एवरी चैन स्टिच में वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया किया है। अब हमारे पास 44 सिंगल क्रोशिया है। यहाँ पे मैं ये व्हाइट कलर का थ्रेड यहाँ पे कट कर दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये चोली की स्टार्टिंग हो गई। अब हम यहाँ पे फिर से ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन कलर की नॉट लगा ली है और यहाँ पे फिर से हम जो हमारी राइट साइड है जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये जो फर्स्ट हमारा जो सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे हम अपने ग्रीन कलर को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम 1 2 2 चैन लेंगे एज हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। और ये देखिए, ये जो हमने फर्स्ट में तो ये ऐड किया, नेक्स्ट चैन में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चैन लेंगे और फिर इसी चैन के अंदर हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2 पे हम 1 2 3 थर्ड चैन में हम यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हमने यहाँ पे 2 चैन स्किप किए, फिर से हम 1 चैन लेंगे और इसी चैन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर से हम 1 2 चैन स्किप करके थर्ड चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन और फिर से इसी चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से 2 चैन लूंगी और 2 चैन को स्किप करके थर्ड चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 1 चैन लेके फिर इसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम फिर से इसी तरह से करेंगे। 2 चैन बनाएंगे और 1 2 3 थर्ड चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेंगे और फिर से इसी चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो हमारी लास्ट चैन है, यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये वर्क फिनिश हो गया। अब मैं इस थ्रेड को यहाँ से कट कर दूंगी। अब हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे, तो इसके लिए मैं डार्क पिंक कलर यूज करूंगी। ओके फ्रेंड्स, मैंने पिंक कलर की नॉट लगा ली है। अब हमने जहाँ से हमारी जो राइट साइड है, यहाँ पे हमने थ्रेड अटैच किया था। ये देखिए, हमने ये हाफ डबल क्रोशिया और 1 चैन हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। यहाँ पे हम इस पिंक कलर को अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से, अब हम यहाँ पे 1 चैन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, अब हम क्रोशिया पे लूप लेके इस होल में डाल के हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, 6 टाइम मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। और ये हमने जो चैन बनाई थी, ये एज अ हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गया, तो ये 7 हो गए। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और जो नेक्स्ट हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया चैन हाफ डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर से हम 2 चैन बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे फिर से मैं 7 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चैन लूंगी और फिर इस जो ये हमारा होल है, इसमें 7 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने जो ये लास्ट स्टिच थी, इसमें भी 7 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। और ये देखिए, ये वर्क मेरा फिनिश हो गया है। अब मैं इस कलर को नॉट लगा के इस थ्रेड को यहाँ से कट कर दूंगी। अब हम फिर से यहाँ से ही नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट कलर की नॉट लगा ली है थ्रेड की। अब हम यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे 1 चैन बनाई थी, यहाँ पे अटैच करने के बाद जो ये ग्रीन कलर की
यहाँ इसके ऊपर हम अपना व्हाइट कलर इस तरह से ऐड करेंगे स्लिप स्टिच से, और फिर हम यहाँ पे 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। ऐसा हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट होगी, और फिर से हम 2 चैन और बनाएंगे, 3 चैन एज ए डबल क्रोशिया और 2 चैन एक्स्ट्रा और बनाई हमने। और अब हम यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने ग्रीन कलर का वर्क किया था, इसके बराबर वाले में देखिए ये जो चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 1 2 चैन लेंगे और यहाँ पे ये देखिए व्हाइट कलर के हमें 2 चैन दिख रही है, तो 1 2 सेकंड चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और देखिए पीछे से इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो और ये फ्लावर्स हैं, ये हमने इस तरह से बाहर की तरफ निकालने हैं। फिर से इसी तरह से करेंगे हम 1 2 चैन लेंगे, क्रोशिया हुक पे लूप लेके, और जो हमें सेकेंड चैन दिख रही है फर्स्ट सेकंड चैन में हम इस तरह से लूप लेके और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये आप ध्यान रखें कि आपको थोड़ा बड़ा लेना है, और फिर हम इस फ्लावर को इस तरह से इस पे से निकाल देंगे। तो ये देखिए वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसी तरह से करूँगी, फिर से 2 चैन लूँगी और ये देखिए हमारी जो फर्स्ट सेकंड चैन है इसके अंदर से हम क्रोशिया के अंदर से डाल के और लूप लेके और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये हाफ डबल क्रोशिया है ये आपको ढीले हाथ से बनाना है और इसकी लंबाई थोड़ी सी लंबी रखनी है। और फिर से हम 2 चैन लेंगे और इसी तरह से करते हुए मैं अपना ये वर्क कम्प्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम फिर से 1 2 चैन बनाएंगे। और जो हमारा ये लास्ट में जो हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे हम इसे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया इसके ऊपर ही बना के इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए ये राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 चैन बनाएंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अब हमारे पास जो ये 2 चैन हमने बनाई थी इसके अंदर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चैन बनानी है, 1 चैन बना के फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 चैन बनाएंगे और ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था जस्ट इसके ऊपर हम इस तरह से क्रोशिया को डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 चैन बनाएंगे। और जो हमारा ये लूप है इसमें हमने जो ये चैन बनाई थी इसमें हमने 2 टाइम बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, और फिर से हमने ये 2 बना लिए। अब हमने जो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था जस्ट इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चैन बनानी है, लूप के अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, फिर इसी के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन। तो हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया 2 चैन हो गई, और जो ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर जस्ट हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने यहाँ पे 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया, यानी जो ये लूप है इसमें हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया 2 चैन, और फिर 1 चैन लेके जो ये थर्ड जो ये हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम फिर से जो ये लूप है इसमें 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चैन लेंगे, फिर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चैन लेंगे, और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे अटैच किया था इसके ऊपर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये वर्क हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। तो मैं इस थ्रेड की नॉट लगा के इसे यहाँ पे कट कर दूंगी। देखिए, और ये हमारी रेड साइड है, तो यहाँ पे हम फिर से ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन कलर की नॉट लगा ली है। अब हमारा जो ये सिंगल क्रोशिया था जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम यहाँ पे अपने ग्रीन कलर को यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और यहाँ पे हम 1 चैन बनाएंगे। ये ऐसा हमारे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया होगी, और जो ये हमारे सिंगल क्रोशिया हमने बनाए थे यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने चैन बनाई थी उसमें नहीं बनाना है। देखिए हमारा जो ये सिंगल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाले चैन में क्रोशिया को डाला और सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया।
ये देखिए इस तरह से हमने जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और वन चैन ली थी, तो हमने जो सिंगल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है, एवरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर वन टाइम सिंगल क्रोशिया, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, ये हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब मैंने यहाँ पे मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, तो यहाँ पे हम वन टू थ्री थ्री चैन बना के अपने वर्क को टर्न करेंगे, तो ये ऐसा हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू नेक्स्ट चैन में वन टाइम, थ्री फिर नेक्स्ट में वन टाइम, फोर फिर नेक्स्ट में वन टाइम, फाइव नेक्स्ट में वन टाइम, सिक्स और नेक्स्ट में वन टाइम सेवन। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेवन टाइम डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ से हम बाजू निकालेंगे, तो यहाँ पे बाजू के लिए यहाँ से हम बाजू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम एट चैन छोड़ देंगे, एट चैन हमने स्किप करनी है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन्थ चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सेवन टाइम बनाया और फिर यहाँ पे भी हम सेवन टाइम बनाएंगे, तो यहाँ पे हम फोर्टीन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वन बना लिया, यहाँ पे मैं एवरी चैन स्टिच में वन वन टाइम करते हुए यहाँ पे मैं फोर्टीन डबल क्रोशिया बना लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने फोर्टीन टाइम डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर फिर से हम एट टाइम यहाँ पे एट चैन स्किप करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और जो ये नाइन्थ चैन है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पे भी हम सेवन टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे एवरी वन चैन स्टिच में। यहाँ पे मैं हर चैन स्टिच में वन वन टाइम डबल क्रोशिया बना लूंगी, तो यहाँ पे हमारी ये सेवन चैन है, तो यहाँ पे सेवन टाइम डबल क्रोशिया बना के मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये सेवन टाइम डबल क्रोशिया बना ली है, तो ये देखिए अब इस तरह से हमारी ये चोली की शेप आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे ये हमारे सेवन टाइम हो गए, और यहाँ पे सेवन टाइम हो गए, और यहाँ पे बैक में फोर्टीन, और यहाँ बाजू में हमने आठ आठ चैन स्किप की थी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे जितने भी डबल क्रोशिया आप जितने भी साइज में ये बना रहे हो ड्रेस, तो आप इसी तरह से करें, जितनी भी आप अपने अकॉर्डिंग चैन लेनी हो ले लें, और उसके बाद फिर आप सब में टू टू टाइम सिंगल क्रोशिया करें, और फिर नेक्स्ट रो में आप वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया करें। फिर जिस तरह से आगे का पैटर्न मैंने बताया सेम एज इट इज आपको इसी तरह से बनाना है, और अगर आप बड़े या छोटे साइज में बना रहे हो तो इसी तरह से बाजू और ये चोली की जो ये आगे पीछे हमने जो ये डबल क्रोशिया रखे हैं इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, कि आपको जितनी बड़ी जितनी चौड़ाई चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग रख लें। तो इस तरह से आप इस चोली को आप किसी भी साइज में बना सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे मैं फिर से थ्री चैन लूंगी, वन टू थ्री, और अपने वर्क को टर्न करूंगी, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी थ्री चैन थी एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी, और जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एवरी चैन स्टिच में मैं वन वन टाइम डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, और मैं एवरी चैन स्टिच में वन वन टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये वर्क अपना कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने हर डबल क्रोशिया के ऊपर वन वन टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमारे पास 28 डबल क्रोशिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने वन रो बना ली है, इसी तरह से मैं वन वन टाइम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए दो राउंड और बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने चोली बना ली है, यहाँ पे मैंने देखे चोली बनाने के बाद यहाँ पे मैंने वन टू थ्री फोर यहाँ जहाँ से हमने बाजू निकाली थी उसके बाद मैंने ग्रीन कलर से ये फोर राउंड बना ली है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आप अगर और भी बड़ी बनाना चाहें तो आप और भी एक दो राउंड बढ़ा सकते हैं, पर मैं यहीं तक बनाऊंगी, इसके बाद फिर हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने इन वीडियोस को थ्री फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम एक एक करके सारी चीजें बनाना सीखेंगे। तो अभी हमने ये राधा रानी जी की चोली बनाना सीखी है, नेक्स्ट वीडियो में हम घेरा बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये आप किसी भी साइज में आप इजिली बना सकते हैं, इससे अगर आप साइज छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बड़े में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं।
और ये आप अगर गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं तो ये भी उसमें भी आप चोली बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।